हेलो फ्रेंड्स तो आज का हमारा डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट बी एम ऑफ गैडमियम थ्री पॉजिटिव इसका जेड हमें दे रखा है सिक्सटी फोर रिस्पेक्टिवली आर जे मेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी का ये क्वेश्चन है तो चलो देख लेते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन होगा लेट्स सी क्वेश्चन में हमें दे रखा है गैडमियम जिसका एटॉमिक नंबर है सिक्सटी फोर हमें निकालना किसका है हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन गेडमियाम थ्री पॉजिटिव की निकालनी है और इसका ही हमें क्या निकालना है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है तो ठीक है वो तो हम निकाल लेंगे तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखते हैं तो जी नॉन सबसे पहले हम देख लेंगे ये कहाँ पे लाई कर रहा है तो अगर हम देखते हैं तो ये लेंथ नॉइड्स में आता है लेंथ है नोइ्स लेंथ नॉइड्स में ठीक है किस तरह से आता है कैसे पता चला मुझे कि भाई लेंथेनियम का होता है फिफ्टी सेवन एटोमिक नंबर ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है फिफ्टी सेवन होता है उसके बाद ये 64 किस किसमें आएगा भाई उसमें तो आ रहा है में जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो देखते हैं किस क्या होती है सीरीज एक बार लिख दूं मैं उसको ठीक है लिख देते हैं सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हो गया इंजीनियर तम ये भी लो ये पूरी हमारी सीरीज होती है ना इंथर्मेड की एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर नहीं पता ही आपको जिसमें जिस जिससे जिस न्यूमॉनिक्स है ये ये न्यूमॉनिक्स है इससे नहीं पता तो एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ तो आपको समझ आएगा सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हो गया इंजीनियर तम यू बी लो एक बार देख रहे थे कितने काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन है थर्टीन है तो इसका मतलब गदगद गद तब दिल दिल यहां पे डी और आएगा ठीक है दिल आएगा तो यहाँ पे डी और आएगा क्योंकि दिल था डी भी होता है यहाँ पे ठीक है डी और कुछ होता है यहाँ पे डी यू कुछ होता है वो मुझे कन्फर्म नहीं है लेकिन हमें गदगद गद तक जाना था हमने यहाँ आ गया तो ये चौदह एलिमेंट्स होती हैं इसलिए मैंने यहाँ पे हो गया अब हमें क्या है हमें पता है सत्तावन इसका है तो इसका होगा एट फिफ्टी एट इसका फिफ्टी नाइन ये सिक्सटी सिक्सटी वन सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री और सिक्सटी फोर इसका सिक्सटी फोर जो हमें दे रखा है उससे कोई दिक्कत नहीं है लेंथनेट्स आते किस में है किस पीरियड में आते मेन बात ये थी इसलिए मैंने ये लिखी है सीरीज़ पूरी अगर हम देखते हैं लेंथनेट्स तो हमारे आते हैं वो पहली अगर हम देखते हैं थर्ड पीरियड में जो कि होता है हमारे पास थर्ड ग्रुप आता है अगर मैं इस तरह से एक बार बना लूँ थोड़ा सा आपके सामने पीरियड टेबल तो ये कुछ इस तरह से होती है ना ये ये फर्स्ट पीरियड जिसमें होता है हाइड्रोजन फिर यहाँ हीलियम आ जाता है यहाँ पे आता है लिथियम फिर यहाँ पे क्या बैरलीम इधर चले जाता है और लिथियम के बाद हाँ ठीक है हमारे पास यहाँ से थर्ड से स्टार्ट होती है ना जो डी ब्लॉक है वो थर्ड से स्टार्ट होता है थर्ड पीरियड से थर्ड ग्रुप थर्ड पीरियड ठीक है ये थर्ड से हमारा स्टार्ट होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बैरलीम बोरोन, कार्बन नाइट्रोजन फिर ठीक है यहाँ पे आता है यहाँ पे हमारे पास ये आ गई पहली हो गई ये सीरीज़ ये डी ब्लॉक की फिर दूसरी आती है ठीक है दूसरी होती है फोर्थ पीरियड हो जाता है हमारे पास और ये फिफ्थ पीरियड तो हमें देखना है कि भाई ये लेंथ नोट्स किस में आते हैं अब ये बात है ना देखने की तो मेन बात तो।, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे यहाँ पे स्कैंडियम आता है यहाँ पे क्या आता है सेल ला यहाँ पर एट्रीएम आता है और ला लेंथनॉइड तो लेंथनॉइड यहाँ पे आता है और यहाँ पे आता है एक्टेनॉयड सिक्स पीरियड में आता है एक्टेनॉयड तो यहाँ से मैं किस तरह से कह रहा हूँ सिल ला ए में इस तरह से मैंने एक नोमिकसा ही इसको याद रख लिया है इस तरह से हम कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो मुझे पता चल गया कि भाई फिफ्थ पीरियड में है तो फिफ्थ पीरियड में यहाँ पर जो नोवल गैस कौन सी आती है फोर्थ पीरियड में लास्ट में ये आती है जीनॉन जीनॉन आती है ना ठीक है तो अगर हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा गैडमियम का ये होता है नोबल गैस जीनोन जीनोन के बाद कितना था क्या हमारे पास अब अब वो तो देखने वाली बात है वो हमारे पास जीनोन कितना हो जाता है जीनोन हो जाता है हमारे पास यहाँ पे एक और ग्रुप आएगा फिर उसके बाद ये थर्ड ग्रुप में आते हैं तो ये एक और ग्रुप है जिसका जिसमें क्यों होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम यहाँ पे बेरिलियम आता है ठीक है ना ये एक और ग्रुप चलता है इसके बाद ये हमारे थर्ड ग्रुप थर्ड ग्रुप में आते हैं जो डी ब्लॉक स्टार्ट होता है तो हम यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं तो ये जीनोन है हमें पता लेंथ नंबर फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन फिफ्टी सिक्स 55 तो ये 54 हो गया तो इसका 54 हो गया 54 फोर कम्प्लीट हो गया हमें कितने लिखनी है 64 तक लिखनी है तो 64 तक अब मैं लिखूंगा तो कहाँ से आएगा ये हमारा पीरियड कौन सा है फिफ्थ है तो ये हो जाएगा फाइव एफ ऑफ सेवन ठीक है क्यों एप ब्लॉक में जाएगा ना ठीक है एप ब्लॉक में ये जा रहा है फाइव एफ सेवन फाइव एफ़ नहीं आएगा फोर एफ आएगा क्योंकि क्यों आएगा एक मिनट देख लेते हैं इस बात को भी हमें पता है कि भाई ये थ्री है थ्री पीरियड है ये फोर्थ पीरियड है फिफ्थ पीरियड है लेकिन यहाँ से हमारा एफ ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है जो कि हमारा होता कितना है वो फोर्थ से स्टार्ट होता है ना फोर एफ होता है फिर उसके बाद होता है ये फाइव एफ दो ही ब्लॉक वो होते हैं एफ़ में और भी होते हैं आगे यानी कि फोर से स्टार्ट होता है ना इसलिए यहाँ पे फिफ्थ पीरियड है उससे कोई नहीं ये एफ ब्लॉक के अंदर हमारे पास फोर्थ फोर एफ आता है तो इसलिए फोर एफ में यहाँ पे सेवन फिल कर दिए मैंने एफ़ ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसमें सीधे सीधे ये फिफ्टी फोर में अगर मैं सेवन ऐड करता हूँ कितने हो गए सेवन ऐड करते हैं तो सिक्सटी वन हो गए सिक्सटी वन और कुछ इलेक्ट्रॉन्स दो रह गए ना वो किस में जाएंगे हमारे वो जाएंगे हमारे पास और फ़ाइव एस टू में दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए तो इस तरह से हो गया अब मुझे लिखना क्या है अब मुझे करना है एक मिनट रुकिए कितने इलेक्ट्रॉन्स करने थे हमें सेवन और यहाँ पे हमारे पास सिक्स फाइव एस टू हो गए आ, ये फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर फिफ्टी सिक्स 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 सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री हुए अभी एक और रह गया है तो मैं उसको कहाँ फिल करूँ वो यहीं फिल हो जाएगा ठीक है यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी होती है फोर्टीन तक की तो अगर गैड में हम थ्री पॉजिटिव के अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास जीनॉन और ये हो गया मेरे पास फोर एफ़ ऑफ यहाँ से अगर मैं तीन निकालता हूँ पहले ये दो जाएंगे और एक यहाँ से जाएगा तो फोर एफ़ सेवन हो गया तो ये तो हो गया इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगोरेशन ठीक है और यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि भाई एफ़ में होते कितने हैं सात ब्लॉक एक दो तीन चार पाँच और छ एक दो तीन चार पाँच छ सात एक एक इलेक्ट्रॉन सब में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखते हैं एन की के वैल्यू हो गई हमारे पास सेवन एन इक्वल्स टू सेवन ठीक है तो बोहर वो क्या होता है म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एन एन प्लस ऑफ टू बोहर मैग्नेटोन ये होता है ठीक है ये होता है ना तो म्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेवन इन नाइन सेवन नाइन कितने होते हैं सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री ये रूट में तो हमें पता है कि भैया सिक्सटी थ्री के पास हम देखते हैं स्क्वायरिंग किसका होता है सिक्सटी फोर का तो मैं इसको लगभग लगभग लग कह सकता हूँ सेवन पॉइंट नाइन का होगा सिक्सटी फोर किसका है एट का तो एक ही तो कमे सेवन पॉइंट नाइन इसका बोहर मैग्नेटन इसका आंसर हो जाएगा तो ये हमारा आंसर एक और एक हमारा ये आंसर है ठीक है अगर आपको बेसिक अगर पीरियड टेबल डटी हुई है अच्छे से तो तो आप कर ही दोगे आराम से लेकिन थोड़ा बहुत अगर थोड़ा बहुत भी आपको पता है तो उस तरह से आप इसको कर सकते हो क्वेश्चन को थोड़ा टाइम इसमें लगा है लेकिन समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको किस तरह से ऐसे भी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो हमारा ऑप्शन आ रहा है एक्स ई फोर एफ सेवन और सेवन पॉइंट नाइन तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है और डाउट का क्वेश्चन हो चुका है हमारा सॉल्व सो दैट सॉल्व फॉर दिस डाउट एक बात मैं आपको बता दूं आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन तो सीधा सीधा किससे पीरियड टेबल से तो आप सीधे पीछे पीरियड टेबल में देख लोगे और आंसर लिख ले दोगे लेकिन एग्जाम में थोड़ी आपको पीरियडिक टेबल मिलनी है भाई तो इसलिए एक बार अगर नहीं भी आता कुछ भी तो आप इस बेसिक से चल सकते हो जिसके मैंने आपको बताया है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इसका जो सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा किस तरीके से मैंने इसको अप्रोच किया है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय अपने क्वेश्चंस को आप करते रहिए जो भी डाउट्स होंगे वो इसमें आपको कवर होते दिखाई देंगे इस चैनल पर चैनल पर भी बने रहें और वीडियोस को देखते रहें बाय बाय